हेलो गाइस, मैं हूं सनी। आप देख रहे हैं मोटर फ्यूल और आज अपन देखने वाले किया कैरेंस वर्सेस ह्यूंडई क्रेटा। जी हां गाइस, किया कैरेंस को जो है किया ने अनवील कर दिया है और नो डाउट काफी स्टाइलिश लुकिंग कार है। एक्सटीरियर देखिए आप, इंटीरियर देखिए, और किया की जो एक्सपर्टीज है ना वो इन्हीं चीज़ों में है। बहुत अच्छा आपको इंटीरियर प्रोवाइड करती है, बहुत अच्छा आपको एक्सटीरियर प्रोवाइड करते हैं, भर भर के फीचर्स आपको देते हैं, नए नए टेक्नोलॉजीज जो है ये लाते हैं। जो कमियां हैं वो आपको भी पता है और वो जो है आपको सेम ह्यूंडई क्रेटा में भी मिलना है, क्योंकि दोनों सिस्टर कंपनीज हैं तो दोनों जो है नेक टू नेक चलती हैं। तो चलिए इनका कंपैरिजन करेंगे, और कंपैरिजन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि प्राइसिंग बहुत ज़्यादा सिमिलर मिलती है इसमें, क्योंकि जो किया कैरेंस की एक्सपेक्टेड प्राइस है वो भी 10-15 लाख है, और जो आपको क्रेटा भी मिलती है लगभग जो है इसी प्राइस में मिलती है, और इसके भी टॉप वेरियंट जो है ऑलमोस्ट जो है किया कैरेंस और क्रेटा के जो है टच हो जाएंगे। अगर आपको जो सीटिंग ऑप्शन की बात करूँ तो किया कैरेंस जो है आपको 6 और 7 सीटर ऑप्शन में आएगी, और जो ह्यूंडई क्रेटा आपको पता है 5 सीटर ऑप्शंस में आती है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे डायमेंशन की, क्योंकि मैंने आपको बताया ना सिटिंग ऑप्शन में चेंज है तो डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं लेंथ। तो किया कैरेंस की जो लेंथ है 4540 mm है, और क्रेटा की जो लेंथ है 4300 mm है। तो यहाँ पे आपको क्लियरली विजिबल है कि डिफरेंस आपको मिल जाता है। यहाँ पे किया कैरेंस जो है लेंथ में ज़्यादा मिल जाती है। विड्थ की बात करें तो 1800 mm की विड्थ आपको किया कैरेंस में मिलती है, क्रेटा में आपको जो है 1790 mm की मिलती है। तो यहाँ बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन फिर भी विड्थ में भी आपको जो है किया कैरेंस आगे निकल जाती है। हाइट की बात करें तो ये देखिए, एक्सटीरियर देख के समझ में आ गया था कि बिल्कुल क्लास लीडिंग जो है हेडरूम देने वाली है। तो किया कैरेंस में देखिए आपको 1700 mm का आपको जो है हाइट मिल जाती है, और ह्यूंडई क्रेटा में जो आपको 1635 mm की आपको हाइट मिल जाती है। तो बहुत ही तगड़ी जो है आपको हेडरूम और बहुत ही अच्छी हाइट जो है किया कैरेंस में आपको देखने को मिलेगी। अब व्हील बेस की बात करें तो व्हील बेस में आपको देखिए 2780 mm के आपको किया कैरेंस मिलेगी, और 2610 mm की आपको जो है ह्यूंडई क्रेटा में मिलेगी। तो व्हील बेस क्या होता है, इस दोनों व्हील्स के बीच में जो डिफरेंसेस होते हैं इससे आपको जो है लेग रूम अच्छा मिलता है। तो यहाँ भी जो है आपको व्हील बेस में किया कैरेंस बेटर मिल जाती है। तो सभी तरीके से अभी आपको किया कैरेंस बेटर मिलती है। अब देख लेते हैं ग्राउंड क्लियरेंस। तो ग्राउंड क्लियरेंस में भी जो है आपको किया कैरेंस 195 mm देती है, और जो क्रेटा है 190 mm देती है। लेकिन डे टू डे लाइफ में क्योंकि व्हील बेस क्रेटा का कम है तो ये 5 mm से कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला, दोनों में आपको जो है सिमिलर ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगी। लुक्स की बात करें दोनों ही कार्स काफ़ी कूल लुकिंग कार है। अगर आप जो है क्रेटा देखते हैं तो वो भी काफ़ी अच्छी लगती है, जो ह्यूंडई का इनका डिज़ाइन था इससे पहले का, क्योंकि न्यू जनरेशन क्रेटा में कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा फ्रंट। तो अभी जो आप देख रहे हैं वो भी काफ़ी अच्छा लगता है, बढ़िया सा आपको जो ग्रिल मिल जाता है क्रोम के साथ, इसमें आपको जो है LED DRL लाइट मिल जाते हैं सी शेप्ड के, उसके बाद जो आपको प्रोजेक्टर लैंप्स मिल जाते हैं, नीचे आपको जो सिल्वर स्किड प्लेट मिल जाती है। अगर आप जो है किया कैरेंस को देखते हैं तो यहाँ बिल्कुल ही यूनिक और बहुत ही डिसेंट लुकिंग कार लगती है फ्रंट से। यहाँ पर आपको जो है सिग्नेचर उनका DRL लाइट देखने को मिल जाता है, इसमें भी आपको जो है प्रोजेक्टर लैंप्स मिल जाते हैं, फॉग लैंप्स मिल जाते हैं, नीचे बम्पर में आपको जो है थोड़ी सी सिल्वर क्लैडिंग मिल जाती है। तो क्रेटा थोड़ा सा जो है मस्कुलर लुक देती है, और जो किया कैरेंस है थोड़ा सा प्रीमियम सोफेस्टिकेटेड लुक जो है देती है। अगर आप रियर देखते हैं तो किया कैरेंस में भी आपको जो LED टेल लैंप्स मिल जाते हैं काफ़ी स्टाइलिश, ह्यूंडई क्रेटा में काफ़ी स्टाइलिश टेल लैंप्स मिल जाते हैं। साइड प्रोफाइल की बात करें तो ह्यूंडई क्रेटा का मेरे को बेटर लगता है, क्योंकि थोड़े से टायर साइज सही दिखते हैं और वो जो है थोड़ा SUV फील देती है, और ये जो किया कैरेंस है ऑब्वियसली MPV है तो थोड़े से व्हील साइज आपको छोटे लग सकते हैं, लेकिन साइड प्रोफाइल थोड़ा सा क्रेटा का बेटर दिखता है। दोनों में आपको जो है CNC का अलॉय व्हील्स देखने को मिल जाते हैं। तो ओवरऑल काफ़ी कूल लुकिंग कार जो है दोनों ही कार्स लगती है अपने अपने पर्सपेक्टिव में। क्लियरली विजुअल है कि किया कैरेंस जो है काफ़ी वाइड है, काफ़ी लेंथ में अच्छी है, काफ़ी अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस भी प्रोवाइड करती है। लेकिन अब अपन बात करेंगे इंजन्स की, तो इंजन्स में देखिए आपको क्रेटा बिल्कुल टक्कर देने वाली है, क्योंकि दोनों ही कंपनी सेम इंजन्स ऑलमोस्ट शेयर करती है। आप डीजल देखिए, पेट्रोल देखिए, लेकिन अभी अपन जो है टॉप एंड वेरिएंट देखते हैं जो टर्बो ये प्रोवाइड करने वाले हैं। तो आपको क्रेटा में भी मिलता है 1.4 लीटर का टर्बो, कापर टर्बो, GDI इंजन, ये सभी ने ड्राइव करा हुआ है। तो ये 138 BHP 242 Nm का टॉर्क देता है, और कैरेंस में भी आपको सिमिलर 1.4 लीटर का टर्बो इंजन, 140 BHP 242 Nm का टॉर्क, 6 स्पीड का आपको मैनुअल ट्रांसमिशन मिलेगा, 7 स्पीड का DCT मिलेगा। सिमिलरली आपको क्रेटा में भी जो है 7 स्पीड DCT ऑटोमेटिक मिलता है। तो सेम इंजन शेयर करते हैं, डीजल में भी जो है सेम इंजन शेयर करेंगे, और जो इनका 1.5 लीटर वाला नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है वो भी जो है शेयर करेंगे दोनों। तो इंजन आपको बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज मिलने वाली है, इंजन में आपको कोई ऐसा मेजर चेंज इसमें मिलने वाला नहीं है। लेकिन मेरे को पर्सनली लगता है कि जो इसका 1.5 लीटर वाला इंजन है जो क्रेटा में भी आपने चलाया होगा, 113 BHP के अराउंड पावर प्रोड्यूस करता है, वो जो है आई थिंक किया कैरेंस में आपको बहुत हल्का पड़ेगा
और क्योंकि वो क्रेटा में ऑलरेडी जो है काफ़ी अंडर पावर लगता है, तो किया कैरेंस में भी आई थिंक ये सूट नहीं होने वाला है क्योंकि इसमें सेटिंग ऑप्शन ज़्यादा है। तो अगर आप जो है किया कैरेंस देख रहे हैं तो इस इंजन को आई थिंक आपको स्किप करना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं फुल फीचर्स की। जी हाँ गाइस, अगर आप देखें फीचर्स की लिस्ट तो यहाँ पे दोनों ही गाड़ियाँ बहुत तगड़ी हैं। क्रेटा में अगर आप जाते हैं तो इसमें आपको जो है टच स्क्रीन मिलने वाला है, 10 इंचेस का एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ब्लूलिंक का सपोर्ट मिलेगा, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल मिलता है, टिल्ट टेलीस्कोपिक मिल जाता है, हाइट एडजस्टेबल मिल जाता है, ऑटो क्लाइमेट मिल जाता है, रियर एसी वेंट्स भी आपको मिल जाते हैं और बिगेस्ट सनरूफ मिल जाएगा। अगर आप दोनों का कंपैरिजन करें तो बहुत बड़ा आपको जो है पैनोरामिक सनरूफ मिल जाता है, बोस के स्पीकर्स मिल जाएंगे। तो हर तरीके से आपको जो सारे फीचर्स क्रेटा भी प्रोवाइड करती है, लेकिन जहाँ ये लैक करेगी वो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो अब आते हैं कैरेंस पे। तो कैरेंस में जब किया कैरेंस में अपन आते हैं ना गाइज, यहाँ पे बहुत ही स्टाइलिश आपको इंटीरियर मिलता है और मच मच बेटर जो है Hyundai क्रेटा से लग रहा है। फर्स्ट टाइम ही आप देखेंगे, फर्स्ट इंप्रेशन पे आप समझ जाएंगे कि बहुत ही स्टाइलिश इंटीरियर मिलता है। वो जो आप देखेंगे गियर नॉब्स के ऊपर बटन्स हैं वो भी काफ़ी कूल लग रही है और जो ओवरऑल पोजीशन लग रही है बहुत ही स्टाइलिश लग रही है। तो ये एक मेजर थिंग होगी अगर आप जो इंटीरियर में कंपेयर करें तो ये एक मेजर थिंग होगी कि बहुत ही मेजर आपको जो है अपग्रेड जो है देखने को मिलेगा अगर आप जो है क्रेटा से किया कैरेंस पे आते हैं। तो बहुत ही सही जो है उसमें एक सिल्वर लाइन्स वगैरह जा रही है और उसके बाद आपको जो है इसमें जो एम्बियंट लाइट्स मिलती है काफ़ी ब्राइट मिलती है और आपको जो है इसमें 64 कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं और काफ़ी अच्छी पोजीशनिंग करी गई है। तो ये भी जो है काफ़ी कूल लुकिंग फीचर्स मेरे को लगा। वेंटिलेटेड सीट्स आपको मिलती है। अगर टच स्क्रीन की बात करें तो 10.25 इंचेस का आपको टच स्क्रीन मिलता है जिसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस मिल जाएगा। किया का जो फीचर है वो भी इसमें अवेलेबल होगा। उसके बाद बात करें आपको बिगेस्ट हेडरूम मेरे को लग रहा है इस सेंस में, क्योंकि इसमें जो एक मेजर थिंग मेरे को लग रही है किया कैरेंस में, अगर आप देखें कि आपको विंडोज़ बहुत बड़ी मिल रही है, आप मिडिल रो की देखें चाहे फर्स्ट रो की देखें चाहे लास्ट में आप देखें, काफ़ी बड़ी जो है विंडोज़ आपको दिख रही है और इससे आपको जो है बहुत ही एयरी फील होगा क्योंकि इसकी हेडरूम भी बहुत तगड़े हैं, हाइट भी बहुत तगड़ी है। तो ये एक इसकी मेजर थिंग होने वाली है। और उसके बाद देखें आप बीच कलर का पूरा इंटीरियर है तो ओवरऑल जो फील है ना आपको बिल्कुल भी क्लॉस्ट्रोफोबिक फील नहीं होगा। अगर आप जो है क्रेटा से कंपेयर करते हैं तो ये इसका मेजर डिफरेंस होने वाला है कि जैसे ही आप अंदर आएंगे तो इंटीरियर आपको काफ़ी बड़ा लगेगा। अब एक चीज़ है जहाँ क्रेटा बिल्कुल ही बीट कर देती है वो है गाइस सनरूफ। जी हाँ गाइस, इसमें आपको जो है सनरूफ छोटा मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं एयरी फील कराने के लिए, लेकिन सनरूफ में आप जो है मेजर लॉस होने वाला है जिनको सनरूफ का शौक है। जी हाँ गाइस, क्योंकि उसमें आपको जो है बिल्कुल पैनोरामिक सनरूफ मिलता है क्रेटा में, लेकिन आपको किया कैरेंस में जो है छोटा सनरूफ मिलेगा। सिर्फ जो है ड्राइवर और पैसेंजर सीट जो होती है फ्रंट में बस उसके ऊपर सनरूफ मिलेगा, उसके बाद जो है इसको एक्सटेंड नहीं करा गया है। अब सेफ्टी की बात करें, देखिए सेफ्टी में आपको जो है दोनों ही कार्स के रिजल्ट्स पता है। जी हाँ गाइस, ये दोनों ही कंपनी जो है क्रैश टेस्ट कराने में बिलीव नहीं रखती है और अगर करा लेती तो आपको कैसे रिजल्ट्स देखने को मिलते ये आपको पता है। लेकिन फिर भी अगर मैं आपको बता दूं, देखिए किया ने यहाँ पे कोशिश बहुत करी है कि मैक्सिमम सेफ्टी जो है आपको दे दे। बेस वेरियंट से आपको जो है बहुत अच्छे फीचर्स मिल रहे हैं, चारों डिस्क मिल रहे हैं, 6 एयरबैग्स मिल रहे हैं। और उसके बाद अगर आपको फीचर्स में बता दूं तो ABS मिलेगा इसमें, ESC मिलेगा, HAV मिलेगा, VSM, DBC, BSA, ऑल व्हील्स में जैसे मैंने आपको बताया, डिस्क ब्रेक मिल जाएगा, TPMC मिल जाएगा, रियर पार्किंग सेंसर आपको मिल जाएगा। तो सब कुछ इनने दे दिया है आपको, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग, स्टेबिलिटी कंट्रोल वगैरह सब कुछ दे दिया है। तो कोशिश तो इनने बहुत करी कि बहुत अच्छी सेफ्टी आपको दे दे। और कंपेरेटिवली अपन जो है क्रेटा में देखते हैं तो उसमें आपको भी जो है सब कुछ मिल जाता है, ABS, CBD और आपको जो हिल होल्ड जैसे कंट्रोल फीचर्स मिल जाते हैं, रियर पार्किंग सेंसर, रियर पार्किंग कैमरा विद गाइडलाइंस, तो उसमें भी बहुत सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं। लेकिन सेफ्टी से रिलेटेड जो है जब तक क्रैश टेस्ट रेटिंग इनकी कुछ नहीं होती है तब तक जो है दोनों ही कार्स जो है थोड़ा सा डाउटफुल रहेगी। सो इसमें तो देखिए ऐसा ही है। अब अदर फीचर्स लाइक स्टीयरिंग माउंटेड बटन्स और आपको जो है सीट में हाइट एडजस्टेबल, टिल्ट टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग, ORVMs को आप कंट्रोल कर सकते हैं, ऑटो डिमिंग वगैरह ये सब आपको मिलेंगे, बोस का जो है स्पीकर सिस्टम मिल जाएगा तो वो भी काफ़ी तगड़ी बात है। तो ये सब गाइस देखिए ये ओवरऑल मिला के काफ़ी तगड़ा जो है पैकेज जो है किया कैरेंस का बन जाता है। अब कुछ चीज़ें आप इसमें लूज़ करेंगे तो वो क्या है गाइस, पैनोरामिक सनरूफ, और मैं अगर कहूँ थोड़े से व्हील साइज़ में को छोटा लग रहा है ओवरऑल लुक में, लेकिन जो ये MPV है और किया भी जो है इसको एज ए MPV ही सेल कर रही है, किसी प्रकार से उसको जो ये SUV नहीं कह रहे हैं। तो आप समझ जाइए इसका जो मेन टारगेट ऑडियंस जो होगा वो अल्काज़ार के कंपैरिजन में होगा, लेकिन अल्काज़ार की जो प्राइसिंग है काफ़ी ऊपर निकल जाती है और जो है लोग इसको XL6 और Ertiga से भी कंपेयर कर सकते हैं।
सो यही था गाइस, एक छोटा सा वीडियो था, एक और डिटेल वीडियो में बनाऊंगा बिल्कुल वेरिएंट्स वगैरह के साथ में, तो उसके लिए आप बने रहिए। और वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय।